ना बालिक कुंडली, ना बालिक कुंडली को अब आप समझे, बंद मुट्ठी में अगर किसी का बुध बैठा है, बंद मुट्ठी में अगर किसी का बुध बैठा है, यानी बुध अगर किसी का खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 10 में बैठा है, तो वो नाबालिग कुंडली बनती है। अगर किसी का शनि खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 10 में बैठा है, तो वो नाबालिग कुंडली बनती है। या किसी का केतु खाना नंबर 12 में बैठा है, तो वो नाबालिग कुंडली बनती है। इस इंसान को कहा जाता है कि भाई तू अपने कोई भी काम करने से पहले, इंपॉर्टेंट काम करने से पहले, तू जो है पांच लोगों से सलाह मशवरा कर। अगर कोई, मान लीजिए कोई, आप किसी किसी की नाबालिग कुंडली है और वो किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा है, अब वो पांच लोग कहाँ से ढूंढ के लाएगा? तो पंडित जी ने उससे कहा कि भाई तू जो है शीशे के सामने खड़े हो जा, दीवार के सामने खड़े होके पांच बार अपना इम्पोर्टेंट काम बोल दे, तभी तेरा काम सरेगा, यानी तभी तेरा काम होगा। अगर तू नहीं ये करता है और तू चोरी छुपे किसी को चला जाता है, तो तेरे काम नहीं सरेंगे, यानी तेरे काम अटक जाएंगे। नाबालिग कुंडली में 1, 4, 7, 10 में अगर शनि है या बुध है, तो नाबालिग कुंडली बनती है। या केतु की जिसका 12वें में बैठा है, वो नाबालिग कुंडली होती है। ये लोग जो हैं कोई भी फैसला या तो जल्दबाजी में लेते हैं और नुकसान उठाते हैं, या ये जो है ये फैसला लेने से बहुत कतराते हैं। दो चीजें होती हैं। अब इन लोगों को कहा गया कि भाई आप कुछ भी काम करने निकलो, इम्पोर्टेंट काम है, तो दीवार के सामने खड़े होके पांच बार बोल दो और आप काम आपके पूरे हो जाएंगे। जी दीपिका जी, हेलो हाँ जी, मैम, मुझे धर्मी कुंडली का पूछना था जो आपने बताया था। धर्मी कुंडली में ना, एक सेकंड मैम, अगर नाइन्थ क्या हाउस में गुरु गुरु बैठा हुआ है और है ना एक्सपेक्ट कर रहा है शनि को थर्ड हाउस में, तो भी वो देखिए, धर्मी कुंडली होगी? यहाँ पे हम दृष्टियां नहीं देखते, जो वैदिक की दृष्टियां हैं हम उसको नहीं कंसिडर करते। यहाँ पे मैम दृष्टियां अलग एक्चुअली मुझे होती वैदिक भी बहुत अच्छे से नहीं आता है मैम, मुझे बेसिक बस मैंने सीखा हुआ है, हैं। तो मैम मुझे ठीक वो है, बंद मुट्ठी तो और खुली मुट्ठी वो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। हाँ, तो कोई बात नहीं ना, आपको 1, 4, 7, 10 जो है वो बंद मुट्ठी है। अच्छा मैम, एक सेकंड में लिख लेती हूँ। एक एक चार चार सात सात दस दस बंद मुट्ठी है। हाँ मुट्ठी मैम, ये हाउसेस ना, 1, 4, 7, 10। जी, हाँ जी, ओके मैम। ठीक है। मैम जिसका फोर्थ और 10th हाउस खाली हो, जैसे आपने अंधी कुंडली का जो बताया उसमें फोर्थ और 10th हाउस को ही देखना है, फर्स्ट और 7th को नहीं देखना, सिर्फ फोर्थ और 10th को ही देखना है, हाँ, अंधी जो भी कुंडली आपने में सिर्फ ग्रहों का बताया। आंखों को, आंखों से मुतालिक है, तो इस वजह से हम 4 और 10 को ही देखते हैं। मैम अगर 4 और 10 खाली है, इसमें कोई भी ग्रह नहीं है, क्योंकि नंबर्स तो देखना नहीं है हमें लाल कुत्ता की कुंडली हाँ, में, तो फिर अंधी कुंडली नहीं बनी ना, तो मैम उसको क्या बोलेंगे? उसको कुछ नहीं बोलेंगे, अंधी कुंडली बस नहीं अच्छा बनी। हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक हाँ है जी। मैम।